आज का महापाठ जी। आज का महा उपाय विशेष है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है। साल की वर्ष की दो एकादशियों को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौष मास की और श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशियों को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वर्तमान में पौष शुक्ल एकादशी दिसंबर या जनवरी के महीने में पड़ती है, जबकि श्रावण शुक्ल की जो एकादशी आती है वो जुलाई या अगस्त के बीच में कहीं पड़ती है, ऐसा इसका संयोग बनता है। पौष माह की पुत्रदा एकादशी उत्तर भारतीय प्रदेशों में ज्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी जो है वो उत्तर भारत के अलावा जो दूसरे प्रदेश हैं उनमें बहुत ज्यादा महत्व रखती है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इस पुत्रदा एकादशी का, ये श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का लाभ क्या क्या मिल सकता है। इसके लाभ ये हैं कि जन्म और मृत्यु के समय में किए जाने वाले संस्कारों का हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। हिंदू धर्म में मृत्यु के समय में कुछ महत्वपूर्ण संस्कार निर्धारित किए गए हैं जो केवल पुत्र द्वारा ही किए जा सकते हैं। पुत्र के द्वारा किए जाने वाले अंतिम संस्कारों से ही माता और पिता की आत्मा को मुक्ति मिलती है। माता पिता की मृत्यु के बाद श्राद्ध की नियमित क्रियाएं जो हैं वो भी पुत्र और उसके परिवार के द्वारा ही संपादित की जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध करने से मृतक की आत्मा को तृप्ति मिलती है। जिन दंपतियों को जीवन में पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती और वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं पुत्र संतान के लिए, तो पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। वैष्णव समुदाय के बीच श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रोपना एकादशी या पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत को समाप्त करना यानी किसी भी एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है, यानी आप कल के दिन सुबह प्रातः काल में आप पारण करेंगे। एकादशी व्रत का पारण जो है वो द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए, वो बहुत ही आवश्यक माना गया है। द्वादशी तिथि बीतनी नहीं चाहिए। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी का व्रत जो है सूर्योदय के बाद ही पारण होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न कर पाने से पाप करने के समान दोष लगता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। अर्थात आपने एकादशी पे जो पुण्य कमाया और आपने द्वादशी को उसे पारण नहीं किया, अपना व्रत नहीं खोला, नहीं तोड़ा, तो आपका जो पुण्य था वह नष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप आज व्रत करिए और कल प्रातः काल जो है स्नान ध्यान करके विष्णु पूजन करके आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। इस एकादशी तिथि में या किसी भी एकादशी तिथि में भगवान विष्णु की साधना और आराधना का विशेष महत्व होता है, तो जिस भी प्रकार से आप भगवान श्री हरि की आराधना कर सकें, ज्यादा से ज्यादा आराधना कर सकें, आपको करना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि एकादशी की तिथि में आपको शुद्ध रूप से फलाहार करना है और जो लोग व्रत नहीं भी कर पा रहे उन्हें अन्न में चावल नहीं ग्रहण करना चाहिए। चावल का भोजन एकादशी की तिथि को बहुत ज़्यादा प्रमुखता से वर्जित बताया गया है और द्वादशी की तिथि में आप चावल खा करके अपने व्रत को खोल सकते हैं या व्रत खोलने के बाद आप अन्न में चावल ग्रहण कर सकते हैं। तो ये था आज का महा उपाय। आचार्य जी, आप स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार। आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।